यूट्यूब चैनल, ऐसे सब सब लोग आप कमेंट करके बताना मुझे कमेंट सेशन में। और आपके लिए न्यू ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, और हम जा रहे हैं आज फतेहाबाद। ठीक है, और आज का मौसम है ना बड़ा गजब हो रहा है यार, बारिश वाला मौसम हो रहा है, और कहीं ना कहीं तो बारिश हो ही रही होगी, इतनी इतना अच्छा मौसम हो रहा है। गजब कुछ काम था, कुछ सामान लेने था घर का, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ फतेहाबाद। ठीक है, और साथ में आपके लिए एक ब्लॉग भी शूट कर लूँगा, कई दिन हो गए शूट नहीं करा। बाकी यार मौसम तो अच्छा हो रहा है, ऐसे मजा हो रहा है। बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम। जो भाई लोग यार वीडियो देखते हैं ना, जो भी देखते हैं कम से कम लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को यार, आप लोगों का ही सपोर्ट है मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर दिया करो और लाइक कमेंट, बाकी आपको पता ही होगा कि ये बिगड़ रोड है फतेहाबाद जो बिगड़, जो भी आता रहता है उनको तो पता ही है, हाईवे पे जाना है यार आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से। तो चलो हाईवे पे शूट करते हैं आज, यहाँ से लेते हैं हम रिटर्न। आप लोगों के लिए हाईवे पे जाना था, यहाँ पे कट है चित्तम, इधर हिसार रोड जाने के लिए बाईपास बना हुआ है। ठीक है, बहुत दिन हो गया यार, मुझे लग रहा है अगले टायर में हवा कम है बाइक के, हवा चेक करवानी है, बहुत दिन हो गया बाइक खड़ी हुई थी, मैंने चलाया भी नहीं, खींचते अब कई दिन हो गए, बहुत दिन हो गए यार बाइक को चलाए हुए, आज खींचते हैं यार। इंजन सेट लगता है, देखो गाय आ रही है रोड के बीच में, अब इसके पीछे ही दूसरी भी आ सकती है भाग के, एकदम कोई पता नहीं रहता। बाकी यार मौसम तो मौसम हो रहा है, कॉल किया था तो बोल रहा था तो मैं आ रहा हूँ, बाकी देखते हैं। तो हम पहुँच गए हैं गाइस कोर्ट के पास, फतेहाबाद जो कोर्ट है इसके पास पहुँच गए हैं। ये शॉर्टकट हाईवे से आए थे जो, ये सामने कोर्ट है इधर, और हमें जाना है पूना रोड की तरफ, पुराने बस स्टैंड की तरफ। यार
गाड़ी कहीं मोड़ रहा है बिना इंडिकेटर दिए। चलते हैं आज रिएक्शन कैप्चर करते हैं, क्या क्या रिएक्शन आते हैं मार्केट में। फिटनेस इसमें आता है भाई मेरा छोटा वाला यार, बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग शूट किए भी। आज बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश तो जरूर आएगी लगता है। बाइक वैसे सर्विस भी मांगती है यार, सर्विस करवानी पड़ेगी और फतेहाबाद के अंदर वो होगी नहीं। तो भैया साइड हो जाओ, बीच में खड़े हैं, अंदर चलते चार मरला कॉलोनी से, देखते हैं लोगों का रिएक्शन। देखो कौन सी साइड से आ रहा है, बिना हॉर्न दिए हुए रॉन्ग साइड में घुमा रहे हैं, अपनी साइड का पता ही नहीं है। टैक्सी को कॉल करते हैं बस स्टैंड पहुंच के। ये देखो रिएक्शन, देख रही है लड़की कैमरा लगा हुआ है हेलमेट के ऊपर। यहाँ पे बहुत लोग हैं यार, मतलब देखो हेलमेट भी किसी ने नहीं पहना होगा, ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत कम होंगे जिन्होंने हेलमेट पहना होगा। हेलमेट वियर करना ज़रूरी है यार, अपनी सेफ्टी है इसमें, क्या जा रहा है हेलमेट पहनने में तुम्हारा। पहले पहुंचते हैं बस स्टैंड, फिर उसको करते हैं कॉल, उसके बाद देखते हैं यासीन ने पहुंचा या नहीं पहुंचा। हम पहुंच गए हैं फौरा चौक और हमें ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। घूम के जाना पड़ेगा इधर और हम पहुंच गए फौरा चौक। ओहो भैया ने देखो कैसी लाइट लगा रखी है, एक साइड कौन सी रेड है और एक साइड ब्लू है, क्या बात है, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, मुझे तो पता ही नहीं था यार इसका। गाइस मैंने कल तो पपैया पार्क के लिए तो मैंने फ़ोन करा था उसको हैप्पी को, तो बोल रहा कि भैया मैं रास्ते में हूँ, तो मैंने सोचा एक तो भैया पार्क वाली साइड हम घूम आते हैं। बहुत दिन हो गए हम गए भी नहीं है, यहीं से लेने राइट और हमने ले लिया राइट। अब ये एक फतेहाबाद का सिंगल एक मॉल, नई मूवी वगैरह देख सकते हो गाइस, एक ही मॉल है फतेहाबाद के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ भाई,
ये इधर है पबई का पार्क, ठीक है इधर इधर लगा हुआ ये गेट रहा, ये पबैया पार्क है और यहाँ पे ये मार्केट है, दिखा देता हूँ आपको बहुत दिन हो। और इधर हम कोचिंग जाते थे मैं और मेरा दोस्त राकेश, यहाँ पे कोचिंग सेंटर है सामने बिल्कुल गवर्नमेंट कोचिंग ग्राउंड वगैरह की, यहीं कोचिंग है सामने, कोचिंग सेंटर का नाम भूल गया यार मैं, बहुत दिन हो गए ऐसे कुछ था। गाइस ये बताना कि लोगों कैसे लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। ये रहा ICS कोचिंग सेंटर और ये आ गया रतिया रोड, गाइस एकदम ब्रेकर आ गया यार दिखानी। आ जा इधर गेड़ा कट के आने, उत्तों की कट के आने गेड़ा, अच्छी अच्छी गया हम जा रहे हैं की क्यों नहीं भजता ये तो आया पुसा है चलता है बहुत। रही आज बजा लैन चला तो सही, एक बारी किन्ना चढ़ता उत्ते तक, फिर की हो गया उत्थे लत ला के रोक ली। तो भाई मैंने हैप्पी को बोल दिया बाय बाय और हम निकल रहे हैं घर।